होती है और इसे जो है हम इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जो है क्यों कहते हैं ओके okay, सबसे पहले इनडायरेक्ट पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट जो पॉलिनेशन है इसमें जो पॉलन ग्रेन्स है हमारा सिंपली जो पॉलन है इट फॉल्स ऑन द स्टिग्मा एज द ओव्यूल जो है वो हमारा प्लेस्ड होता है ओवरी में राइट right, मीन्स यहाँ पे जो पॉलन है ये डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आता है ओव्यूल के आदर इट स्टिक्स ऑन द स्टिक राइट तो देखेंगे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया गया है पॉलन लैंड ऑन स्टिकमा येट आंसर हेयर इज फर्स्ट बिकॉज एज वी डिस्कस अबाउट द इनडायरेक्ट पॉलिनेशन जिसमें पॉलन जो है वो स्टिकमा पे गिरता है यह लैंड करता है बिकॉज़ ओवरी के अंदर जो है वो यहाँ पे ओव्यूल होता है ओव्यूल के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है पॉलन यहाँ पे नहीं आएगा राइट right? तो इस तरह से मान लेते हैं दिस इज हियर द पॉलन जो कि हमारा यहाँ पे लैंड कर रहा है ऑन द स्टिग्मा ऑफ काइनोशियम राइट दिस इज हियर द स्टिग्मा एक्चुअली ये स्टिग्मा पॉइंट है अब यहां से जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब को ग्रो करेगा एंड देन यहाँ पे फ्यूजन होगी विद ओ व्यूल राइट इन दिस मैनर ओके देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है पोलन लैंड डायरेक्टली ऑन ओव्यूल ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे गलत है बिकॉज दिस इज हेयर द डायरेक्ट पॉलिनेशन और डायरेक्ट पॉलिनेशन जो है वो देखी जाती है इन द दिमनोस्पर्म्स थर्ड दिया गया है पॉलिनेशन अगर बाय द वेरियस एजेंसीज राइट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है बिकॉज वेरियस एजेंसीज के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं जिसमें एयर जो है मेजर रोल प्ले करती है लास्ट दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन इज वेरी कॉमन इन द एनजीओ स्पर्म्स राइट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत होता है बिकॉज एनजीओ स्पर्म्स की अगर हम बात करें तो एनजीओ स्पर्म्स में ज्यादातर जो है सेल्फ पॉलिनेशन होती है राइट सो दिस इज हेयर ऑल अबाउट द ऑप्शन एंड वी कॉन्क्लूड दैट ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर क्लास ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही आज डाउनलोड करें डाउट नेट टाइप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर